अगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को जेएम के पोर्टल पे वेंडर असेसमेंट कैसे करते हैं, वेंडर असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेंडर असेसमेंट किनको करना चाहिए, तो वेंडर असेसमेंट जो लोग ओएम है या फिर आप रीसेलर है तो भी आप वेंडर असेसमेंट कर सकते, पर यदि आप ओएम है तो आपके लिए कंपलसरी है। यदि आपका आपका प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग है, आपका खुद का इन हाउस प्रोडक्शन है और आप अपने प्रोडक्ट को जेम पे लाना चाहते हैं एज ए ओएम की तरह मैन्युफैक्चरिंग, तो आप यहां पे उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद माई अकाउंट में जाएंगे। माय अकाउंट में आपको यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा, इससे पहले आपका ये प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। ये प्रोफाइल यदि आपका कंप्लीट नहीं है तो इसके बारे में रिगार्डिंग वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जहां से आपको मिल जाएगा जो इसको कैसे कंप्लीट करते हैं टैक्स असेसमेंट वगैरह, तो आप वो वीडियो से आप हमारा कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं वेंडर असेसमेंट, वेंडर असेसमेंट पे क्लिक करेंगे। वेंडर असेसमेंट में दो ऑप्शन है, असेसमेंट और असेसमेंट एग्जम्पशन। यदि आपके पास एग्जम्पशन के रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं, जिसका फीस है 11,200 प्लस 18,000, मतलब 13,200 के लगभग ये आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है। यदि आपके पास असेसमेंट के लिए एग्जम्पशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है वेंडर असेसमेंट के रिगार्डिंग और है तो आप उसके लिए आप यहाँ पे इसके लिए एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो एग्जम्पशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगती है उसका मैं लिस्ट आप लोगों को पहले शो करता हूँ, जो किस बेस पे आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे असेसमेंट के एग्जम्पशन के डॉक्यूमेंट्स, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यहाँ पे कोई भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे एग्जम्पशन ले सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल स्टेट पीएसयू है, ओएम बीआईएस लाइसेंस होता है, ये आपके पास लाइसेंस हुआ तो, या एनएसआईसी का सर्टिफिकेट जो एमएसएमई से मिलता है ये, फिर या फिर ओएम का यूनिक कोड होता है यूसीसी कोड बोलते हैं, जो डीआरडीओ ओएफबीआईएसआईटीआरए से मिलता है। ऐसे आपकी ये सभी डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स में से यदि आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो आप वेंडर असेसमेंट में 13,200 का एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो इसका जो फीस है वो फीस स्ट्रक्चर अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फीस स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या रहता है, फॉर सेलर यदि आप है ओएम है तो आपको 11,000 प्लस 11,200 प्लस जीएसटी, मतलब 13,000 समथिंग ये आपको लगेगा। पर सेलर यदि आप ओएम नहीं है तो वो ओएम के लिए तो आपका, यदि आपका टर्नओवर 20,000 तक है 20 लाख तक है तो 2,500 प्लस जीएसटी लगेगा, 20 लाख से 1 crore तक है तो 5,000 प्लस जीएसटी और उसके बाद है तो 7,500 प्लस जीएसटी, ये आपका चार्जेस है वेंडर असेसमेंट करने के लिए एज ए रीसेलर के तौर पे। पर जनरली अपने को अभी तक रीसेलर में ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप चाहे तो ये कर सकते हैं, पर ओएम को ये बहुत ही अच्छा है, ओएम को ये करने के लिए मैंडेटरी नहीं है पर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, यदि ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप एग्जम्पशन लेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये रीसेलर के लिए भी सेम है, यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है तो आपको वहां पर भी आपको भी एग्जम्पशन मिलता है। यहाँ पे वेंडर असेसमेंट में जाते हैं, यदि आपको एग्जम्पशन नहीं लेना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट न्यू असेसमेंट करके कर देंगे और सेम प्रोसेस आगे भी मिलेगा, या फिर यदि आपके पास एग्जम्पशन लेना है तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू एग्जम्पशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएगा जो आप क्या है, मैन्युफैक्चरर है या रीसेलर है। यदि रीसेलर है तो रीसेलर पे डालिए, मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर, जैसे कि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पे, दोनों का प्रोसेस सेम है, डिफरेंस नहीं है, आप दो भी चूज करेंगे सेम तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर पे हम चूज करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, यहाँ पे एग्जम्पशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या है, जैसे कि मेरे पास एनएसआईसी का सर्टिफिकेट है एमएसएमई, तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। सेव, यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का ही होता है, सर्विसेज का नहीं। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, कैटेगरी कौन सा प्रोडक्ट है आप डालेंगे, जैसे मैं हैंड ग्लव्स यूज करता हूँ, हैंड ग्लव्स प्लास्टिक हैंड ग्लव्स है,
यहाँ पे आपके पास जो भी आइटम आप सर्च करेंगे यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा, जो भी आप सर्च करेंगे। जैसे कि मैं ग्लव्स बोल रहा हूँ, तो ग्लव्स के रिगार्डिंग जितने भी आइटम्स है, कैटेगरी है, वो सब आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। सर्जिकल ग्लव्स है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में लिखना, और इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी लिखना है, कितना आप प्रोडक्शन पर मंथ कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 500, 1000, जो भी। सेम आपका यहाँ पे सोल्ड टाइप, सोल्ड में आपका यदि आपका सेम यहाँ पे, और भी यदि आपका दूसरा प्रोडक्ट है तो हम दूसरा भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेम मेरे पास ग्लव्स है, तो अभी मैंने सर्जिकल ग्लव्स डाला था, अभी यहाँ पे प्लास्टिक हैंड ग्लव्स डाला, तो ऐसे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी लिखेंगे, जितने भी प्रोडक्ट आपको डालना है आप यहाँ पे डाल सकते। सेकेंड ऑप्शन है सोल्ड, आपने किसको बेचा है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो जिनको भी बेचा है उनका पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। प्राइवेट है, प्राइवेट यहाँ पे डाल दिया मैंने, प्राइवेट का नाम, कौन सी ईयर में बेचा, 1920 में मैंने बेचा था, कितना क्वांटिटी, सर्जिकल ग्लव्स या प्लास्टिक, किसको बेचा था, कितने क्वांटिटी, मैंने 1000 क्वांटिटी बेची। सोल्ड वैल्यू कितने हैं आपके, सोल्ड वैल्यू आप यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, सेम प्राइवेट या गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट को क्या था, गवर्नमेंट कौन से गवर्नमेंट को, जेडपी गवर्नमेंट, कौन सी ईयर में, सेम 1920 में ही किया था मैंने, कौन सा प्रोडक्ट, सर्जिकल ग्लव्स ही किया था, कितने क्वांटिटी बेचा था, 5000 बेचा, कितने में, आप जैसे जैसे यहाँ पे डालेंगे सब यहाँ पे डालो, पर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ डालेंगे, जितने भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, जितने भी कंपनी, सबका आपके पास प्रूफ होना जरूरी है, याद रखें। यहाँ पे एक एक करके रो ऐड कर सकते हैं और इसको 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा असेसमेंट एग्जम्पशन। कैटेगरी होने के बाद डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, NSIC जो भी आप सर्टिफिकेट ले लें उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स में, और इसको आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपको एक VA का QC का डिटेल्स आ जाएगा, QCI का उसका, इसको आपको जनरली 1 to 2 days लगता है, वो लोग इसको वेरीफाई करेंगे, और QCI वाले आपको मेल और SMS के थ्रू से आपको ईमेल पे एक यूजर ID और पासवर्ड भेजेंगे, जिसका साइड है BA.QCIN.org। यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। यहाँ पे वेंडर असेसमेंट के लिए 2 parts है, पहला आपको यहाँ पे डेस्कटॉप असेसमेंट होगा और बाद में इसका वीडियो असेसमेंट होगा। यदि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या और आगे लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स भी हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हम दिखाते हैं मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वेंडर असेसमेंट फॉर OEM, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक बनाया है, ये लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट भी यहाँ पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको एग्जम्पशन के लिए, तो ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है, ये पूरा का पूरा डिटेल्स डालूंगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, चेक लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको लिस्ट रहेगा। और यहाँ पे वर्क फ्लो भी दिया हुआ है, किस तरीके से आपको कितना टाइम लगेगा, कितना दिन में आपका होगा, ये सब प्रोसेस 1 by 1 हमने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे 2 parts में होता है, डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट, तो सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे वेंडर असेसमेंट में जाना है फिर आपको, और यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स के लिए ये लिंक मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्शन पे जाइए और यहाँ पे सब डिटेल्स, जैसे आपने जेम पे डाला था उसके अकॉर्डिंगली ये डिटेल्स डाला हुआ है। तो यहाँ पे GST है तो GST का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने का है। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन यदि सर्टिफिकेट रहा तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपको यहाँ पे 1 by 1 अपलोड करना है। यहाँ एड्रेस प्रूफ है, इसे एड्रेस सेक्शन बी का है, तो एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा आपने उधर डाला है वहीं पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फिर सभी डॉक्यूमेंट्स आपको उधर बताया हुआ है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको 1 by 1 एक एक करके अपलोड करना है। और डिटेल्स ऑफ फॉर्म, यहाँ पे आपका फॉर्म का पूरा डिटेल्स और उसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको 1 by 1 अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे सब चीजें 1 by 1 आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको कुछ क्वेरी आता है तो आप हमारे यहाँ पे नीचे हमको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको इस फील्ड के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मैं आपको हेल्प करूंगा। या फिर आप हमारे पास से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे GM की आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बिलो में एक नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप कांटेक्ट करके हम हमारे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा फिर आएगा वीडियो असेसमेंट, मतलब आपका वीडियो का वो आपको कैसे रहेगा। यहाँ पे दो है, डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो। फिर आपको वीडियो में सब आपका फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको डिटेल्स में आपको डालना है। यहाँ पे वीडियो असेसमेंट हो जाएगा, ये डेस्कटॉप असेसमेंट के बाद यहाँ पे नीचे वीडियो असेसमेंट होगा। वीडियो असेसमेंट में आपको पूरा वीडियो, मोबाइल पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसका ऐप भी है, वहां से आप डाउनलोड करेंगे और अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, दो दिन का, दो दिन के बाद का कभी भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जिस दिन का अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस दिन का आपका वीडियो, पूरा वीडियो शो करना है, डॉक्यूमेंट्स भी पूरा दिखाना है वीडियो में, और आपका जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, जहाँ पे यूनिट है, हर जगह पे आपको वहाँ का वीडियो शूट करना है प्रॉपर वे से, और फिर वहाँ पे आपको वन बाय वन अपलोड करना है, जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स वगैरह सब कुछ दिखाना है। ये आपका होने के बाद ये अपलोड कर देंगे, फिर ये QCI ये डिसाइड करता है जो आपको इसका अप्रूवल मिलेगा कि जनरली ये अप्रूवल, फिर यदि उनको सब कुछ प्रॉपर रहा तो अप्रूवल मिल जाता है। ये सब प्रोसेस को यदि असेसमेंट में आपने एग्जम्पशन लिया है तो 15 डेज के अंदर आपको इसका अप्रूवल मिल जाता है, अदरवाइज थोड़ा टाइम जाता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। यहाँ पे आपको और एक पार्ट बताता हूँ, जैसे कि असेसमेंट के बाद बहुत लोगों को एक क्वेरी हो जाती है कि रीसेलर क्या है। यहाँ पे तो रीसेलर का एक तो वहां पर है जहां से आप एग्जम्पशन करके वेंडर असेसमेंट रीसेलर वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक रीसेलर पैनल भी है। रीसेलर पैनल में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, जैसे कि IT के प्रोडक्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर, AC, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, कुछ इक्विपमेंट है, हैवी इक्विपमेंट, जो यहाँ पे आपको अपलोड नहीं होता है। आप कैटेगरी में जाएंगे और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वहां पे आपको नहीं दिखेगा, वो आपको एक तरह से एरर आएगा, जिसका भी वीडियो हम आपको जल्दी लेके आएंगे, जो यहाँ पे रीसेलर पैनल में आप किस तरीके आप अपडेट करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट को आप अपलोड कर सकें। तो थैंक यू। प्लीज यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।